बदलते भारत की शान। चंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी कड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। थानेदारी अब तो केवल खेती बाड़ी, जय जवान की जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर तो सही, आज पकड़ना आया है सर। हंटर बाबू आप? अरे कैसी चोरी हो गई केशव बाबा। प्रणाम हंटर बाबू। खुश रहो केशव, हमारा हाथ तो छोड़ो भाई। केशव बाबा एक बात बताइए, आपकी तबीयत तो पहले से कछु ठीक लग रही है। हाँ ये देखिए, दूध पाव रोटी हमको जो खिला खिला करके बिल्कुल ठीक कर दिया है हंटर बाबू। अरे हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। 2 महीने से रोज भोर में दूध और पाव रोटी दरवाजे पर रख के जाते थे, लेकिन आज इनकी चोरी पकड़ी ही गई। अरे अपने हंटर काका ना है ये ऐसे, कितनी भी किसी की मदद कर दे लेकिन ढिंडोरा कभी नहीं पीटते। हमारे दांव तो थान है हंटर बाबू। दियो हंटर ताता, दियो। थान नहीं होता, शान होता है शान। वह तो बोल रहा ना पगला। 9 रोटी खाने वाले इस गरीब को दूध और पाव रोटी खिला खिला कर दौड़ने लायक बना दिए। भगवान आपको आजा अमर बना रखे हंटर बाबू। अरे हम कुछ नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गांव वाले बिल्कुल ठीक ठाक रहे, खुश रहे। अरे सुनो, ये कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? पापा वो बैंक जा रहा था। हाँ कल बैंक का काम पूरा नहीं हो पाया था, हमारे बैंक के आज डिविजनल मैनेजर आने वाले। अच्छा, इसलिए काम खत्म करना है। वेरी गुड बेटा, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए जी। और सुनो, हाँ जी, ऑफिस से लौटते वक्त अगर समय मिले तो ब्लॉक चले जाना और CEO साहब से पूछना कि बीज कब आ रहे हैं। ठीक है पिताजी। और सुनो, हाँ जी, ये हेलमेट तो पहनो। जी पिताजी। केशव बाबू आप भी घर जाइए, दूध गर्म करके पाव के साथ खाइए। जी हंटर बाबू धन्यवाद। रंगीली तुम भी अपनी दुकान पे जाओ, लोग तुम्हारी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। और साइलेंसर, हाँ तो तुम भी रंगीली की चाय पीने जाओ, क्योंकि तुम्हारी सुबह की शुरुआत उसकी चाय से होती है। लेकिन आज आपते धल दाते चाय पियें दे, वो भी नहाने के बाद। और बेटा जी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम कसरत करने जा रहे हैं। अरे वाह, खूब कसरत करो, अपने शरीर को बलवान बनाओ, बलिष्ठ बनो एकदम। जी ठीक है जी, मैं चलता हूँ जी। जय राम जी। जय राम जी के बेटा। एक बात बताएं? बताओ। हर मुसीबत का हल है हंटर बाबू के पास। कोई गरीब गुरबा हो या किसी का बच्चा, सबको अपना मानते हैं हमारे हंटर बाबू। सही कहा,
हेलो, हाँ जी, हम सिनूरी देवी बोल रहे हैं जी। जो हमने जैविक खाद की बोरियां मंगवाई थी वो आ गई क्या? देखिए, हम तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते कि आप अपने ग्राहकों को भी इसके बारे में बताइए। जब सरकार इस पर जोर दे रही है, कृषि वैज्ञानिक इस पर जोर दे रहे हैं, तो हम क्यों झिझक रहे हैं? हमें भी ग्राहकों को बताना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी, धन्यवाद। हरा धन की माँ। हाँ जी, आए। अरे, तुम्हारा लाडला उठा कि नहीं? हम बाजार जा रहे हैं, कुछ लाना होना हो तो बता दो। थे डूब जाओगे चौबे जी, तुम्हें हंटर बाबू बनने की जरूरत को नहीं। मास्टर जी सटिया गए होगा, अब बीच में हंटर बाबू कहां से आ गए रे? मारा कहने का मतलब था कि हंटर बाबू जैसा उद्दार बनना थाने वास्ते ठीक को नहीं। मास्टर जी, इतना बरस हो गए तुमको हमरे साथ, या तो अपनी भाषा हमको सिखा दीजिए या हिंदी का सही उच्चारण सीख लीजिए, समझे? मारा कहने का मतलब था कि उधार के धंधे पे दया मत कीजिए, लोग आकी छाती पे चढ़ के पीसा वसूलो पीसा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। प्रणाम मालिक। अरे शकुंतला देवी, भोरे भोरे दर्शन देने आ गई। मालिक, हाँ? हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलो, क्या काम है? मालिक, हमारी जो जमीन है, हम उसे आपके पास आधा बंधक रखना चाहते हैं। कहा है कि हमें पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अरे थारे खन्ने जमीन है कितनी? 1 बीघा। भाई, उसमें से आधा बंधक रख दोगी तो नहाओगी के और निचोड़ोगी के? हम मालिक से बात कर रहे हैं ना, आप कहे बीच में पटर पटर करते हैं। मास्टर जी, हमरा बही खाता चिंता फिकिर देखते हैं। वो समझना चाह रहे हैं कि तुम जमीन बंधक रख दोगी तो खाओगी का, ये पूछना चाह रहे हैं। जमीन तो बस कहने भर को है, इतना तो फसल ही नहीं होता जितना खाद और बीज में खर्च हो जाता है। घर में कोई दूसरा होता तो उसकी देखभाल हो जाती, हम अकेली जान क्या क्या करें। तुम्हारा मर्द ऋषि कैसे में रह जाएगा? पता करो, कहीं दूसरा मेहरारू तो नहीं धर लिया है वो? हम तुम्हारा खेत नहीं रख सकते। तुम पहले भी घड़ी झंझट कर चुकी हो एक बार, देखो तुम्हारा काम था कहना, अब चौबे जी झंझट में पड़े तो पड़े। अरे बाजार से कुछ लाना होना तो बता दो। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आ गए तुम्हारे लाड साहब। अच्छा, ये लीजिए झोला, जब आप बाजार जा रहे हैं तो वहाँ से हरी सब्जी ले आइएगा और बीज के बारे में भी पता कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। यही समय मिला था तुमको छींकने का, है? सर आप शकुन कर दिया हमारा यात्रा, कहीं और जाके खेत, चल भाग यहाँ से। सॉरी। तुम देख रही है, जानबूझकर छींका है ये। आप ना सठिया गए हैं, छींक का यात्रा से क्या संबंध है? अरे उस बच्चे को 3-4 दिन से जुखाम बुखार था, आप ना रूढ़ीवादी होते जा रहे हैं। अच्छा सिनूरी देवी,
तुम हमको सिखाओगे कि हम रूढ़िवादी हैं? हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे, ना हम आपको कुछ बता रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो आप पुराने लोगों की तरह ना अपना राग अलापते उसे बंद कर दीजिए। आजकल तो लोग अपने घरों में बिल्लियां पालने लगे हैं, जिनका रास्ता काटना लोग सबसे बुरा मानते हैं। क्यों मास्टर जी? जी जी ना जी ना जी, जो कटे हुए हैं। इतना भी मॉडर्न ना बनो कि हमारा जात्रा मुहूर्त पूजा पाठ सब अंधविश्वास लगने लगे। अपना छीक को बहुत टाइम हो गया, अब अच्छा होगा कि आप जाइए, वरना आप कहेंगे कि हमारी वजह से आपको देर हो गई। हाँ सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। देखो चादर भर पांव पसारो, वही सही रहेगा, चलते हैं। फटफटी तो आप ही रोकते हैं, बुड़बक रुक, तुम आखिर बताते हैं, यही समय मिला तुझे छींकने के लिए। आप लोग बैठिए, हम चाय लेके आते हैं। आइए बैठो। साइलेंसर दे ताता दी। ऐसा है कि बीज के बारे में हम सोच रहे थे दी, जब आ जाए तो तुरंत अपने काम में लग जाएंगे। ये लीजिए चाय। थैंक यू ताता दी। आप यहाँ ताप पीने का दूध दो फायदा है। एक तो ताप मिलता है, ऊपर से विद्युत भी मिलता है। अरे हमें मीठी चाय देकर आप कहाँ मिर्ची के चक्कर में फंस गई हैं? इसी से ना खाने में स्वाद आता है, नहीं तो आप ही कहेंगे, आप हमें बेस्वाद खाना खिलाती हैं। बात ताती, आज तो आपने ताता से बोलती है बंद कर दिया। आती हूँ, आप लोग चाय पीजिए, जरा हम भीतर देखते हैं। तो ताता अरे फोन तो धंती बदला उठाइए ना। अरे हाँ हेलो कलेक्टर साहब, नमस्कार। आज सुबह सुबह कैसे याद किया आपने? जी सिन्यूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है सर। जी मैं अभी जाकर उनको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी कर। तुम खेत क्यों बंधक रखना चाहती हो? फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या? मालकिन जन मजदूरी से तो केवल गुजारा भर हो पाता है, लेकिन पुराने कर्जे का क्या? वो कहाँ उतर पा रहा है? ये तो सब हमारे जी का जंजाल बन गया है बस। क्यों मरद पैसे नहीं भेज रहा है क्या? पैसा भेजते तो खेत बंधक रखने को का ही सोचते। मालकिन मालकिन हम तो परेशान हैं ही, आपको भी हमने संकट में डाल दिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम अपना दुख दर्द हमसे नहीं कहोगी, किसी से बांटोगी नहीं, तो कैसे मन हल्का होगा? और सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। हमसे वो बड़ा काम नहीं होगा, औरत घर में ही रहे वो ही अच्छा। बस यही सोच औरतों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आजकल औरतें क्या क्या नहीं कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं आजकल की औरतें, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन वो तक उड़ा रही हैं। आई दैया सच क्या? और नहीं तो क्या, लेकिन तुम अपने ही काम को छोटा समझती हो। जन मजदूरी का काम कोई आसान काम नहीं है, और आज ही हम मुखिया जी से और हंटर बाबू जी से बात करेंगे कि सरकार की स्कीमें गांव में कैसे लेकर आई जाए। लेकिन अपना खेत कभी भी बंधक नहीं रखना, वरना तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। मालकिन अरे अरे बस बस, इन सब की जरूरत नहीं है, और हम जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। सिनूरी देवी। हंटर बाबू प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम मालिक। खुश रहो। अरे
आप यहाँ हंटर बाबू? आपसे मिलने आया हूँ। आपके खेत तैयार हो गए बीज डालने के लिए? अब तो अवार्ड लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। बधाई हो ताती। आपने तो पूरे दांव का नाम लोथन तल दिया। तुम अवार्ड लेने नहीं जाओगी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अवार्ड बधाई। आपको जिला की बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। अभी अभी कलेक्टर साहब का फोन आया था। मगर ये अवार्ड हमारा नहीं है, ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। लेकिन मेहनत तो आपकी है, आपकी मेहनत और लगन के लिए ही आपको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। प्रणाम। बधाई हो मालकिन। धन्यवाद मालकिन। आए हम। अरे आप खाद लेकर आ गए मालकिन। ये तो नई तरह का खाद है, कहीं गलत खाद तो नहीं ले आई? लगता है दुकान वाले ने आपको ठग दिया। बिल्कुल नहीं ठगा, ना ये खाद गलत है और ना दुकान वाले ने हमें ठगा है। ये जैविक खाद है, वर्मिक खाद, इसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक खाद कहा जाता है। और ये फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे फसल भी पुष्ट रहती है। लेकिन इसे तो हम पहली बार देख रहे हैं। अब इसी का प्रयोग हो रहा है, हमारी सरकार भी इसी पर जोर डाल रही है। इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है और ये केचुए की गंदगी से बनता है। केचुए से? हाँ, हम इसके बारे में एक दिन ग्राम सभा में सभी को बुलाकर विस्तार से बताएंगे। अब जाइए इसको खेत में डाल दीजिए। जी बालकिन। क्या बदतमीजी है अंधे, क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? बाइक न मिले तो एक्सीडेंट करने का लाइसेंस मिल गया क्या तुमको? अरे हमें हम अरे होता तुम हाँ। जानते हो नहीं? अरे जानते हैं हमें। जयपुर से कब आई तुम? यार कल ही आई, और तो और तुम्हारे घर भी नहीं जा पाई और ना अंकल से मिल पाई। हाँ भाई तुम तो बहुत व्यस्त हो गई हो ना। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? अब हमें टाइम निकाल कर आना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए। यार मतलब तुमने दिखा दिया ना अपना असली रूप, अब मुझसे बात मत कर लेना। अरे यार तुम तो बुरा मान गई। इधर सुनो, हम शिकवा और शिकायत ना सड़क पे नहीं करते, समझी? तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीसीडी में चलते हैं और कॉफी पीते हुए बात करेंगे। अच्छा सीसीडी? हाँ कैफे कॉफी डे। आइडिया बुरा नहीं है, चलें। चलो चलो। तो कमाल की बात है, तुम गांव में आई और हवा तक को खबर नहीं लगी। अब मतलब तुम लगे फिर मेरा मजाक उड़ाने, है ना? अब थैंक यू। भाई देखो रिश्ता ही मजाक का है। हाँ अब तुम ठहरी हमारे दोस्त अशोक की खूबसूरत सर, तो हमारा भी तो हक बनता है। अच्छा गुड इवनिंग सर। क्या पीनी मैम? मैं तो कॉफ़ी। कॉफ़ी? कॉफ़ी दो कॉफ़ी। ज़्यादा नहीं हो जाता? यार कभी घर आ जाओ यार। वैसे आज मैं आऊँगी तुम्हारे घर और अंकल से मिलकर तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे ये सारी बातें छोड़, ये बताओ कि अब तुम्हें बैंक की जॉब करते करते भागने का तो मन नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं वैसे यूपीएससी का फॉर्म भरे हैं। अच्छा हाँ, अगर हो गया ना तो बाबा है एकदम, हो जाएगा। अच्छा तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? बस एक साल और बचा है। उसके बाद तो तुम मुंबई चले जाओगे ना? हाँ तुम्हारा तो सपना भी वहीं है जाने का, है ना? वो क्या था, जुहू में घर, बीकेसी में ऑफिस और बांद्रा में, बांद्रा में शॉपिंग।
दीदी की कॉल है। हेलो। हाँ दी। अरे वो अवतार मिल गया था, उसी से बात करने लगी थी। हाँ हाँ दीदी, बस आ ही रही हूँ। जी ठीक है ठीक है, ओके बाय। अच्छा होता जल्दी जल्दी कॉफी खत्म करते और फटाफट निकलते, दीदी वेट कर रही है ना। को एक जरूरी सूचना भी देनी थी कि आपको सरकार ने आपके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यूं तो आपके और आपके योगदान के बारे में हर मंत्री और आईएएस ऑफिसर जानते हैं यहाँ, लेकिन परंपरा के अनुसार हमें प्रोफाइल बनाना होता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपने कृषि और अन्य क्षेत्रों में क्या क्या कर रखा है, यानी कि आपका पूरा जीवन और दृष्टि भी कि आप क्या क्या नया सोचते हैं। सचमुच मेरा योगदान उतना बड़ा है क्या? बिल्कुल, मैं तो एक छोटे से गांव का किसान हूँ, मुझे जो अच्छा लगता वही करता हूँ। आपके बारे में मंत्रालय को जो रिपोर्ट मिली है उससे सभी लोग चमत्कृत हैं। आपने महिला किसान के बारे में बनी सरकारी योजनाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। मेरे सुझाव को जब तक अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक कृषि उत्पादन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता, उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मैं आज भी उस मत पर कायम हूँ। हमारे देश की 75% औरतें कृषि उत्पादन और उसके साथ जुड़े हुए कामों में लगी हुई हैं, लेकिन उनको किसान ही नहीं माना जाता। क्षति की जो पूर्ति होती है या मुआवजा मिलता है वो सिर्फ पुरुष किसानों को मिलता है, महिलाओं को मिलता ही नहीं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। आपके सुझाव को अंडरलाइन भी किया गया है कि महिलाओं के नाम पर भी जमीन होनी चाहिए ताकि वे पुरुषों के मुकाबले खुद को साबित कर सकें। हम उम्मीद करते हैं आपका नया सुझाव हमें जल्दी प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, अब मैं आपसे इजाजत लूं। नमस्कार। अरे सलेंसर कहाँ आ रहा है? ताती तो ताती चाची को कहो, अरे चौबाइन को, चौबाइन ठीक है ना? ठीक से बोल, क्या बोल रहा है? चाची ठीक है ना? तुम तो ससुरा हमको डरा ही दिए, बोलो क्या बात है? ताती तो हाँ? बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। अवार्ड? हाँ इनाम। हाँ वो कौन सा पहाड़ तोड़ दी रे? दलथा होता दलथा। चुप, जलसा के लिए हमारे पास फालतू पैसा नहीं खर्च करने को, समझे? या अल्लाह, अले बाबा, ताती आप से भी बहुत बड़ी आदमी बन गई है। अरे ठीक से बोलना, क्या बोल रहा है? हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। या अल्लाह, अरे ताती तो एबाद मिलने वाला है। हाँ। और वो एबाद लेने लाधानी दांडी, उठी तो दलता होता। लाधानी राजधानी? हाँ। अवार्ड कैसा रे? और सुनो, कोई जलसा वलसा नहीं होगा? हाँ सरिता बहन, जैविक खाद को हम घर पर भी बना सकते हैं। तुम शाम को हमें मिलो, फिर हम बताते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है। अरे आप आ गए, लीजिए पानी लीजिए। ये लीजिए पानी। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी? ज्यादा अपने आप को दिखा रही हो। आपने दिखाने का मौका ही कहाँ दिया? आपके भरोसे होते तो हमें अपनी जमीन बटाईदारी में देनी पड़ती।